नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेराव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं सेना की वर्दी में हूं क्योंकि आज का दिन कुछ खास है। हालांकि आज के दिन हम सब लोग आज के दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। आज के दिन को जिस प्रकार से हम सब लोग त्योहार के रूप में मनाते हैं, कहीं उससे ज्यादा हमारे देश के जाबाज, हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं और उनके लिए आज का दिन बड़ा गौरवान्वित होता है। जी हाँ, मैं इस वक्त भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हूँ और आज का दिन हम सब के लिए गर्व का दिन है। और आज के दिन हमारे 15 अगस्त के दिन जिस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हर वर्ष जिस प्रकार से हमारे देश में आज़ादी का ये पर्व मनाया जाता है और इस साल आप सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, तो इसी खास मौके पर आज हम भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हैं। ये वही तारबंदी आपको नजर आ रही है, ये वही फेंसिंग आपको नजर आ रही है जो भारत और पाकिस्तान की फेंसिंग है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। किस प्रकार से हमारे प्रहरी 2400 घंटे मुस्तैद रहकर इन सीमाओं की रक्षा करते हैं ताकि हम सब लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। हमारे साथ एक जाबाज हैं, वो प्रहरी हैं जो यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं और इन्हीं की मुस्तैदी के कारण कोई परिंदा यहाँ पर नहीं मारता है। सर, सबसे पहले तो आज का दिन आपको, आपके पूरे बटालियन को बधाई देते हैं कि आज का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। कितना गर्व महसूस करते हैं आज के दिन को और किस प्रकार से आज के दिन को आप सेलिब्रेट करते हैं? बहुत गर्व महसूस करते हैं सर, हम इस दिन को जो है बहुत अच्छे से मनाते हैं क्योंकि आज़ादी का दिन है हमारा। अच्छा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, किसी प्रकार का मौसम हो, कैसी परिस्थितियाँ हो, हम देखते हैं कि आप लोग 2400 घंटे मुस्तैद रहते हैं। क्या महसूस करते हैं? ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना पड़ेगा, इसलिए तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं ड्यूटी करने के लिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। अच्छा, सबसे पहला काम हमारा ड्यूटी है। बिल्कुल, जब आप सुबह उठते हैं, जब आपका आँख खुलती है, दिन का पहर शुरू होता है, क्या जहन में आता है, क्या दिमाग में आता है कि आज हाँ मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है? क्या आता है दिमाग में? दिमाग में यही आता है सर, जब हम जाएंगे अपनी ड्यूटी करेंगे, जितनी देर तक करेंगे उतनी देर तक मुस्तैदी से करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार भी गया है, तो कभी ये नहीं लगता कि रक्षाबंधन त्यौहार है, होली दीपावली त्यौहार को आप सब लोग यहाँ रहते हैं, तो ये फीलिंग आती है कि हमारे लिए देश, परिवार के साथ साथ देश भी सर्वोपरि है क्योंकि इन सीमाओं की रक्षा हमें करनी है। ये भी तो सर हमारा परिवार है, तो यहाँ रह करके हम त्यौहार मना लेते हैं खुशी से, और कभी घर में मौका मिल गया तो घर में मना लेते हैं। बिल्कुल, आप इनके चेहरों की मुस्कान देखिए, इनके जज्बे को देखिए कि 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, इनके मन में कभी ये नहीं आता जिस प्रकार से हम सब लोग सिविलियन सोचते हैं कि ये त्यौहार है, वो तो त्यौहार है, हमें वहाँ जाना है, लेकिन इनके मन में, इनके जहन में हमेशा यही रहता है कि हमें माँ भारती की सेवा करनी है, इस सीमाओं की रक्षा करनी है ताकि इस देश की 133 करोड़ जो जनसंख्या है वो सुरक्षित रहें और इसी सीमाओं की रक्षा करें, क्योंकि दुश्मन देश हमेशा इसी ताक में रहता है, उसकी नापाक हरकतें हमेशा यही रहती हैं कि हम कुछ हरकत करें, लेकिन हमारे जाबाज इस प्रकार से मुस्तैद हैं कि उनकी मजाल है कोई इस प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि कर लें, क्योंकि हमारे प्रहरी 2400 घंटे यहाँ पर मुस्तैद रहकर हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं।